फिजिक्स एमसीक्यू बाय डी मुखर्जी। मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों ही एग्जाम के लिए ये बुक बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम पार्ट वन मैकेनिक्स का पहला जो चैप्टर है काइनेमेटिक्स फोर्सेस, उसका क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज थ्रोन विद स्पीड यू एट एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल। व्हेन द पार्टिकल मेक्स एंगल फाई विद द हॉरिजॉन्टल, इट्स स्पीड चेंजेस टू वी। क्लियर सा क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल को थ्रो किया, उसका स्पीड था यू और हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, लेकिन जब वो पार्टिकल हॉरिजॉन्टल के साथ फाई एंगल बनाएगा तब उसका स्पीड वी है। अब ऑप्शंस में है वी इक्वल टू यू कॉस थीटा, वी इक्वल टू यू कॉस थीटा कॉस फाई, वी इक्वल टू यू कॉस थीटा सेक फाई और वी इक्वल टू यू सेक थीटा कॉस फाई। इनमें से कौन सा सही है आपको ये फाइंड करना है। तो एक बार हम प्रोजेक्टाइल का शुरू की क्लास की बात याद करते हैं, उसमें एक एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस, और इन दोनों के बीच से एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना करके एक चीज़ को हम प्रोजेक्ट कर देते हैं। प्रोजेक्ट करने का मतलब फेंकते हैं, और उसका जो स्पीड है वो यू लेते हैं और डायरेक्शन होता है एक्स एक्सिस के साथ थीटा। ऐसे ही प्रोजेक्टाइल की शुरू की क्लास याद करके याद आता है हमें। ये जो स्पीड है यू, उसको हम दो पार्ट में रिजॉल्व कर देते हैं, मतलब दो पार्ट में हम इसको ब्रेक कर देते हैं। तो एक्स एक्सिस के साथ जो पार्ट आता है उसका वैल्यू है यू कॉस थीटा और वाई एक्सिस के साथ यू साइन थीटा, और इन दोनों ही वेलोसिटी के कम्बिनेशन से वो पार्टिकल पैराबोलिक पाथ पे चलते हुए यहाँ पे जमीन पे आके गिर जाता है, इसको बोलते हैं हम ट्रेजेक्टरी। तो ये सारी कहानी तो हो गया, हमें समझ में आता है ये, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि व्हेन द पार्टिकल मेक्स एंगल फाई विद द हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे हम रास्ते में कोई पॉइंट मार्क करते हैं, जब यहाँ से चल के मतलब ओरिजिन से चल के जब ये पार्टिकल यहाँ पे आया तब हॉरिजॉन्टल का एंगल तो बदल गया, पहले हॉरिजॉन्टल का एंगल कितने था थीटा, लेकिन अब हम ओरिजिन से इस पॉइंट को कनेक्ट करें एक लाइन से तो एंगल तो छोटा हो गया है। तो नया जो स्पीड है उसको हम वी लिखें और नया जो एंगल है उसको हम फाई लिखें। यह है सिचुएशन, कंडीशन आपको समझ में आ गया। इसमें सही ऑप्शन कौन सा है वो हमें पता करना है। तो एक बात देखो, जब नया कंडीशन में स्पीड है वी और एंगल है फाई, तब उसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा वी कॉस फाई और वाई कंपोनेंट कितना होगा वी साइन फाई। तो ये जो एक्स कंपोनेंट आया है नया में वी कॉस फाई, और पहले वाला एक्स कंपोनेंट कितना था यू कॉस थीटा, तो ये दोनों इक्वल है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में हम ये बात समझते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी बदलता नहीं है। वो इसलिए नहीं बदलता कि वेलोसिटी को बदलने के लिए हमें एक्सेलेरेशन की जरूरत होती है और एक्स एक्सिस पर कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, जो एक्सेलेरेशन है वो वाई कंपोनेंट पे है। तो ये दोनों ही वैल्यू सेम है, इसलिए हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी कॉस फाई इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, शुरू में जो वेलोसिटी था यू, एंगल था थीटा, उसको हम एक्स कंपोनेंट यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा में रिजॉल्व कर दिया। दूसरा जो था वी, उसका एंगल है फाई, उसका हम एक्स कंपोनेंट वी कॉस फाई और वाई कंपोनेंट वी साइन फाई होता है, लेकिन हमें उसका काम नहीं इसलिए हमने लिखा नहीं यहाँ पे। अब ये दोनों ही एक्स कंपोनेंट को इक्वेट कर रहे हैं तो वी कॉस फाई इक्वल टू यू कॉस थीटा हो गया, हमें वी चाहिए तो ये जगह यू कॉस थीटा और ये कॉस फाई नीचे आ जाएगा, तो इसको नीचे लिख दें हम कॉस फाई। अब इस कॉस फाई को हम अलग कर दें, मतलब वन बाई कॉस फाई हो गया ये, तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा और वन बाई कॉस फाई हो गया सेक फाई। तो ऑप्शन सी में ऐसा लिखा है तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी को टिक कर दें। अब क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लेकिन एक बात
मन में आता है कि ए जो ऑप्शन था v इक्वल टू u cos थीटा, उसमें क्या दिक्कत थी, क्योंकि वो भी सही लग रहा है। जो कॉन्सेप्ट है यदि क्लियर नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पहला ऑप्शन क्यों गलत है। तो ये देखो, जो x कंपोनेंट होता है उसमें हम cos लगाते हैं, आपको ये पता होगा। तो जो लास्ट वाला था, जो सेकेंड स्पीड दे रखा था v और उसका साथ एंगल था फाई, तो उसका x कंपोनेंट कितना होगा, वी एक्स इजकल टू वी कॉस फाई, और वी वाई इजकल टू कितना हो जाएगा, वी साइन फाई। अब जो v बनेगा तो कितना होगा, फॉर्मूला लगाएंगे हम वहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स वाला। तो यहाँ ये x और y के बीच के एंगल है 90 डिग्री, तो ये तो पार्ट जीरो हो जाएगा, ये वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर रह गया। इतना होगा इसका नेट वेलोसिटी, जो कि u cos थीटा नहीं होगा। ये जो v है वो नेट वेलोसिटी है, सिर्फ x कंपोनेंट नहीं है। देखो इसमें यदि vx की वैल्यू फाइंड करना चाहे तो ये है, और v cos phi और u cos थीटा बराबर है, और इसका जो vy है ये v sin phi, वो यहां पे ऐड होकर के स्क्वायर होकर तब जुड़ करके v बनेगा। ये तो सिर्फ स्टार्टिंग की कंडीशन के लिए है, तो या इस कारण से ये v इक्वल टू यू cos थीटा नहीं है। उसका कंपोनेंट बराबर होगा, न कि पूरा v बराबर होगा, पूरा v तो ज्यादा हो जाएगा।